अभी तक पटना में 366 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल अब तक 366 लोग पॉजिटिव। कल क्या रिकॉर्ड किया है? कल 70 लोग पॉजिटिव आए। एक दिन में 70 लोग पाए? कल 70 लोग आए थे। सभी चिकित्सा महाविद्यालय और सदर अस्पताल अनुमंडल अस्पताल पर हम लोगों ने बेड आरक्षित करके स्पेशल वार्ड बनाया हुआ है। वैसे जब दवाइयों की बात होती है, क्या वहाँ पर दवाइयाँ सब उपलब्ध? बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त इलाज उपलब्ध है हर जगह, दवाइयाँ भी मुफ्त। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे बिहार में डेंगू का कहर जारी है। अब सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं वो हम आपको बताएंगे भी, लेकिन फिलहाल कितना कहर जारी है डेंगू का। हमारे साथ पटना के DPM हैं विवेक सिंह जी, मौजूद हैं। विवेक सिंह जी, जिस तरह से डेंगू का कहर जारी है आप इन दिनों देख रहे हैं, कैसी तैयारी की गई है आप लोगों द्वारा, सरकार के द्वारा? इधर जो पिछले एक सप्ताह में 10 दिनों में डेंगू के केसेज में वृद्धि हुई है, और प्रतिवर्ष मानसून में जो सितंबर अक्टूबर और नवंबर का माह है उसमें केसेज बढ़ती है, और नवंबर में जैसे जैसे ठंड आता है तो केसेज कम होती है। अभी तक पटना में 366 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल अब तक 366 लोग पॉजिटिव। कल क्या रिकॉर्ड किया है? कल 70 लोग पॉजिटिव आए। एक दिन में 70 लोग पाए? कल 70 लोग आए थे और कुल 366 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से और जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय है, पूरी तैयारी की गई है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव द्वारा विभागीय स्तर पर भी प्रतिदिन VC के माध्यम से इसकी समीक्षा की जाती है। सभी चिकित्सा महाविद्यालय और सदर अस्पताल अनुमंडल अस्पताल पर हम लोगों ने बेड आरक्षित करके स्पेशल वार्ड बनाया हुआ है, जहां मच्छरदानी लगा हुआ बेड। अगर मान ली मैं एक आम आदमी हूं, मुझे ऐसा लक्षण मुझे दिखता है, सर दर्द हो या बुखार हो, तो मैं किसी भी सरकारी अस्पताल अभी जा सकता हूं? हाँ, किसी भी सरकार। अगर पटना की बात करूं तो PMCH, NMCH, IGMS, एम्स सब जा सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है, PMCH, एम्स, IGMS, NMCH या गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल। इसके अलावा एलाइजा टेस्ट आपको न्यू गार्डिनर रोड हॉस्पिटल में भी होता है। कहीं भी जाके आप जांच करा सकते हैं, और जांच कराने के बाद अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो डॉक्टर आपको चिकित्सीय सलाह देके इसका इलाज करेंगे। डेंगू में बहुत कम केसों में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे जब दवाइयों की बात होती है, क्या वहाँ पर दवाइयाँ सब उपलब्ध? बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त इलाज उपलब्ध है हर जगह, दवाइयाँ भी मुफ्त। बिल्कुल, वहाँ से दवाइयाँ मिल जाएंगी फ्री में? हाँ जी, हाँ जी। अगर भी हम अगर एक्टिविटीज़ की बात करें, मैं देख रहा हूँ आपके पास ये पड़ा हुआ है, कैसे बचाव किया जाए, तो ये आप सभी लोगों को बता रहे हैं, सभी को अलर्ट कर रहे हैं कि अभी ये ध्यान देने वाली बात है? देखिए, 2-3 स्तर पर है कार्य चल रहा है। जैसे ही कोई पॉजिटिव केस आता है तो वहाँ पर हम लोग फॉगिंग करवाते हैं टेक्निकल मेलेथियन से, साथ ही साथ जो पानी जमा हुआ होता है, जो नाला होता है, वहाँ पे हम लोग लार्विसाइडल स्प्रे करते हैं, जिसे करवा रहे हैं। बिल्कुल लगातार चल रहा है। हर एक केस का लाइन लिस्ट होता है, उसके एड्रेस होते हैं, उस एड्रेस पे हम लोग फॉगिंग कराते हैं उस एरिया में 500 मीटर के दायरे में, और वहाँ पे लार्विसाइडल स्प्रे करा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो नगर निगम की गाड़ियाँ हैं उसमें भी जिंगल बज रहा है कि पानी को जमा नहीं होने दें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा सभी स्कूल कॉलेजों को भी एडवाइजरी जारी किया गया है कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं पूरे बांह के कपड़े पहन के आए, फुल पैंट पहन के आए। इस तरीके से जागरूकता अभियान भी चल रहा है, साथ ही साथ चिकित्सीय व्यवस्था। अभी ऐसी कोई हालात हो जाए घर पे, एक आखिरी सवाल है मेरा, एम्बुलेंस बुलाना पड़े तो वो भी जाएगा? बिल्कुल, एम्बुलेंस की सुविधा तो ऐसे भी आम दिनों में भी हर समय उपलब्ध रहता है। 102 पे कॉल कर सकते हैं, कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं, सिविल सर्जन ऑफिस में कंट्रोल रूम भी डेंगू के लिए चल रहा है। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ भी कॉल कर सकते हैं, एम्बुलेंस भी आ सकता है। बिल्कुल। फिलहाल पटना में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पाए गए हैं? बेसिकली जो अंचल केसेज अगर आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र अंचल में केसेज हैं और बांकीपुर अंचल में भी केसेज हैं। सबसे ज़्यादा पाटलिपुत्र अंचल में है, जो केंद्रपुरी, दिघा, सियाना नगर, जिसमें कुर्जी वाला एरिया है, नेहरू नगर। उसके बाद बांकीपुर अंचल में है बाजार समिति, और उधर जो आर्य समाज रोड है, कदम कुआं, GM रोड है। उसके बाद नूतन राजधानी में भी केसेज हैं, कंकड़बाग में भी केसेज हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अंचल वाइज है PMC का, उस हिसाब से भी देखा है कि प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए डेंगू कितना बढ़ गया है राजधानी पटना में, पूरे बिहार में आपको बता रहे हैं, सिर्फ पटना में ही 366 केस हैं, पूरे बिहार का आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में सतर्क रहने की ज़रूरत है, आप अपने घर में मच्छरदानी का उपयोग करें, जो गुड नाइट होता है, या तमाम जितने एंटी मॉस्किटो वाले जितने एंटीसेप्टिक हैं उसका इस्तेमाल करें और सतर्क रहें। दवाइयाँ फ्री में मिल रही हैं सरकारी अस्पतालों में, आप जाएँ बेझिझक होकर वहाँ दिखाएँ, इलाज कराएँ। टेस्टिंग की व्यवस्था वहाँ की गई अस्पतालों में? बिल्कुल, टेस्ट हम करा सकते हैं वहाँ? हाँ, जाके करा, वो भी निःशुल्क रहेगा? हाँ, अगर आपके अंदर कोई लक्षण है, चिकित्सक डॉक्टर ने अगर लिखा प्रिस्क्रिप्शन में तो टेस्ट? बिल्कुल, मुफ्त जाँच होगी, जांच भी होगी। तो ऐसे में हमारे साथ पटना के DPM विवेक सिंह जी मौजूद थे, क्या कुछ उन्होंने बताया है, आपने समझा है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहें, तमाम आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।